रजत दलाल कभी कभी मुझे काफी समझदार लगता है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी चीजें कर जाता है जिसके बाद मुझे काफी ज्यादा मतलब वो बचकानों वाली हरकतें कर देता है। अभी आज की विव्यान वाली बात मैं बोलूं तो जो विव्यान ने चीजें बोली उसमें एक लॉजिक था। लॉजिक ये था कि जो भी आने वाले टाइम में कल को जेल जाएगा वो राशन का जो बेसिक चीज है ना, राशन जो बेसिक होता है वो देने में आनाकानी नहीं करेगा कि मैं इतना दूंगा, मैं आधा दूंगा, मैं पूरा दूंगा, मैं ऐसा दूंगा, मैं वैसा दूंगा। वो क्लियर आउट कर रहा था क्योंकि इसकी वजह से बहुत ज्यादा रायता फैला, क्योंकि बिग बॉस भी बेसिक राशन तो बिग बॉस के घर में देता है, ऐसा नहीं है कि कुछ देता ही नहीं। बेसिक राशन इन लोगों को मिलता है, लेकिन इनको लग्जरी राशन चाहिए होता है जिसकी वजह से बिग बॉस के घर में काफी ज्यादा लड़ाई हो रही होती है। तो यहाँ पर वही चीज विवेन डिसीना लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं और उस वक्त वहां पर तकरीबन हर कोई होता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ रजत को ये बात बुरी लग जाती है कि दूंगा क्या, दूंगा ये क्या है, मतलब बोल के चलेगा पार दूंगा, ये सारी चीजें वो बार बार बोलता है। तो रजत को पर्सनली बुरा वो चीज लग जाती है कि उसने ऐसा क्यों बोला। अभी तक के ये रजत और भी जो लोग हैं वो इसलिए नाराज हैं कि अविनाश जो है ना वो प्रॉपर राशन क्यों नहीं दे रहा है, ठीक है, इसी चीज को लेकर के नाराज है ना। लेकिन कल को इस बंदे के हाथ में अगर पावर आती है तो फिर ये वो चीज करेगा, रोकेगा, मतलब अपना ईगो सेटिस्फाई करेगा पूरी तरीके से, ये भी खाना नहीं देगा सही से। तो वही चीज विव्यान कहना चाह रहे थे, लेकिन ये बंदा जो है ना अपनी ही बातों को गलत मलत कर देता है, उसके बाद ये खुद ही गलत बन जाता है। अब एक इंसान जो कि इतने टाइम से एक इंसान को जो राशन नहीं दे रहा है उसको गलत बना रहा है, और फिर तुम उसको लॉजिक भी यही दे रहे हो विव्यान को नीचा गिराने के लिए कि तुम रोक करके दिखाना, मैं जब जाऊंगा ना, मैं जेल में होऊंगा तो एक टाइम का मतलब खाना पका करके दिखाना, मतलब ये चीज़ वो बोलता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल इन बातों में कोई तुक बनता है आप कॉमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।